So hello everyone. In the previous session we studied about triangle of addition of vectors. Today we'll be studying about multiplication of vectors. Now multiplication of vectors are of two types. ठीक है. First is okay. So first is dot or scalar product. Okay, dot or scalar product. तो बच्चों क्यों बोलते हैं dot product, क्यों बोलते हैं scalar product, इसकी समझ हम करते हैं अभी. ठीक है, तो यहां पर देखो a dot b है, दो वेक्टर्स है मेरे पास a और b, और इनके बीच का एंगल है थीटा. ठीक है, तो जब a dot b करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा. ये डॉट या स्केलर प्रोडक्ट में आता है. ठीक, अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको, सिंस द रिप्रेजेंटेशन इज बाय ए डॉट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. ओके, सिंस द रिप्रेजेंटेशन इज बाय ए डॉट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिजल्ट स्केलर है. बहुत सिंपल है, तो रिजल्ट स्केलर है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट है, रिप्रेजेंटेशन डॉट से है इसलिए डॉट प्रोडक्ट है. वेरी सिंपल. ठीक है, अब स्केलर तुमको मालूम है क्या होता है ना, हमने शुरुआत ही स्केलर और वेक्टर से की थी डेफिनेशन से. तो अब सपोज करो मेरे पास आई और आई, ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं, आई डॉट आई. इसमें देखो ए डॉट बी में ये था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये था कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो यहां पर आई और आई में क्या एंगल है, तो दोनों के बीच में एंगल होता है जीरो डिग्रीज का, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना. मैग्नीट्यूड क्या है इनका, वन इंटू वन इंटू कॉज ऑफ जीरो डिग्रीज. तो क्या रिजल्ट आया बच्चों, वन आया. वेरी सिंपल, कोई डाउट, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए. ठीक है, अब आती है बात, सिमिलरली जे डॉट जे में भी यही होता है ना. तो जे डॉट जे में भी वन इंटू कॉज ऑफ जीरो डिग्रीज, और ऐसा ही के डॉट के में भी होता है. ठीक है, तो अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट वन ही होता है. तो मैं यहां पर इस रिजल्ट को नोट कर लेता हूं, आई डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू जे डॉट जे. क्लियर. अब आती है बारी कि भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स होगा तो क्या होगा. तो मेरे पास ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिए मैंने i डॉट j, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इज 1, और एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्रीज, राइट. सो दिस इज कॉज ऑफ 90. तो क्या हो गया, कॉज 90 क्या होता है, जीरो. तो ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू 0, सो दिस इज 0. क्लियर. तो कोई भी तुम अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स लोगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा. ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई हमने ए डॉट बी पढ़ा, तो इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, होगा क्या ऐसा, देखते हैं. इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, भाई इसका रिजल्ट था ए बी कॉस थीटा, इसका भी रिजल्ट होगा बी ए कॉस थीटा. सिंपल है ना, तो ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए, इसमें ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट. सो व्हाट वी हैव सीन इन दिस बोर्ड इज, व्हाट इज ए डॉट बी, व्हाई वी कॉल इट एज डॉट और स्केलर, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल एंड यूनिट वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स, राइट, यूनिट एंड पैरेलल वेक्टर्स. तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के देखा हमने, फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये देखा हमने. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका टू फाइंड
द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनदर गिवन वेक्टर टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर along the direction of another given vector. ठीक है, अब इसको समझते हैं. आओ देखो, ये है वेक्टर ए, यह है वेक्टर ए, और दूसरा है यह है वेक्टर बी. इनके बीच का एंगल है थीटा. ठीक है, एक बात बताओ, बी का कंपोनेंट, कंपोनेंट निकालना सीखा है ना हम लोगों ने, बी का कंपोनेंट ए पे कैसा दिखाई देगा? यह होगा टेल से हमने, सॉरी हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन ए, ये यहां पे आया और ये इसका डॉट हो गया, टेल का प्रोजेक्शन यहीं आएगा. तो दिस वेक्टर is the projection of B on A or component of B along A. तो ये क्या हुआ बेटा, B cos theta हुआ नहीं हुआ? तो अब देखो, A dot B जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, A dot B जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है AB cos of theta. सिंपल है. तो B cos theta कैसा हुआ? तो B cos theta is projection of B along A and this is given as A dot B डिवाइडेड बाई ए. वेरी सिंपल, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए. अगर इसी में तुम ये सोचो कि भाई मुझे ए कॉस थीटा चाहिए, तो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी. सिंपल. ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये बी वेक्टर है. ये इसको क्या बोलोगे तुम, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग, this is projection of vector A along vector B. Okay? So this is the first application of it. अब मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा example solve करके दिखाता हूं. ठीक है, suppose करो मेरे पास vector A है, this is say 3i cap plus 4j cap. Okay? और दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी, ये दिया हुआ है मेरे को 2i कैप बस. नाउ आई वांट टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये निकालना है मुझे. क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं ए डॉट बी लिखूंगा, पहले ए डॉट बी निकालो, सबसे पहला काम ये है तुम्हारा. तो ये क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, राइट? पता है क्या? नहीं पता है. तो a डॉट b इज ए बी कॉस थीटा, ये होता है मुझे मालूम है. क्या निकालना था, प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, तो मुझे निकालना है a कॉस थीटा. क्या होगा बेटा, a डॉट b डिवाइडेड बाय b होगा. वेरी सिंपल. तो चलो पहले a डॉट b करना सीखते हैं, तब तो मजा आएगा. a डॉट b कैसे करेंगे, देखो हर एक हम करने जा रहे हैं ए डॉट बी, तो ए के हर एक एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट तुम बी के हर एक एलिमेंट के साथ लोगे. तो ये आया तुम्हारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 2i कैप आया. तो अब इसको स्प्लिट कर दो, तो ये आया 3i कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप डॉट 2i कैप आया. अब एक बात बताओ, ये 4i 4j कैप और 2i कैप परपेंडिकुलर है या नहीं है? ऑफ कोर्स है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो. ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले cos 90 देखा था ना, i डॉट j, j डॉट k करके. और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और इनके बीच का एंगल है 0 degrees. क्यों 0 degrees एंगल है, क्योंकि दोनों i कैप के अलोंग है. तो cos 0 कर दो,
तो हमको रिजल्ट मिला 6. सो द रिजल्ट ऑफ ए डॉट बी इज 6, राइट? तो यहां लिख दो 6. अब बी देखो, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, हमें बी का मैग्नीट्यूड चाहिए. क्या है बी का मैग्नीट्यूड यहां पर? 2. तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 3. सो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज हाउ मच? 3 फॉर दिस एग्जाम्पल. ओके, तो ये हमने एक एग्जाम्पल भी करके देखा कि हाउ कैन वी फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अदर गिवन वेक्टर. वेरी सिंपल. अब तुम एक बात बताओ, देखो तुम यहां से कॉमन सेंस भी लगा सकते हो. भाई ये वेक्टर था प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, 3i cap + 4j cap, तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था, वो 3 है, दिख रहा है हमको यहां पर. तो ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दैट इज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स. ठीक है, ये अगला एप्लीकेशन है. लेट्स सी. सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. तो देखो हमारे पास ए डॉट बी है, पक्का है. ए डॉट बी को क्या लिखते हैं हम? ए बी कॉस थीटा लिखते हैं. थीटा क्या था बेटा? थीटा वॉज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. बहुत सिंपल है. तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, है ना? और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी. बहुत सिंपल है. तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल. लेट्स टेक दीज टू वेक्टर्स एज वेक्टर ए, इसको ले लेते हैं 3i cap + 4j cap, ये ले लिया मैंने, ठीक है. दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने वेक्टर बी, ये हो गया 2i cap + 5j cap, ये भी हो गया. ओके, अब करना क्या है मुझे? सबसे पहले तो मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो. क्या सिखाया था अभी? हर एक एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, ठीक है. तो अगर अगर आई डॉट आई करेंगे तभी हमको रिजल्ट मिलेगा. आई डॉट जे से तो कुछ मिलना नहीं है मुझे. तो 3i dot 2i क्या हो जाएगा बेटा? 3i का मैग्नीट्यूड है 3, 2i का मैग्नीट्यूड है 2, एंगल बिटवीन 3i and 2i इज हाउ मच? 0. सो cos 0 क्या होगा? 1. तो ये तो रिजल्ट आ गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये i डॉट j करोगे 0, तो ये काम नहीं करना है मुझे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे. अब क्या आता है देखो, अब क्या आता है? j डॉट i, ये भी 0 हो जाएगा, बचा j डॉट j. तो प्लस करो यहां पर 4j का मैग्नीट्यूड 4, 5j का मैग्नीट्यूड 5 और j डॉट j का cos 0 1. तो ये आ गया 6 + 20, ये आ गया 26. सो दिस इज a डॉट b. क्लियर? वेरी सिंपल. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? कल सिखाया था मैंने, पिछले सेशन में सीखा हुआ है हमने, है ना? a का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर, खत्म. दिस इज इक्वल टू 5. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a. व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ b? इट्स रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दैट इज 4 + 25 = 29 √. क्लियर? तो आई होप यहां तक हमको सब समझ में आ रहा है, ठीक है. तो अब हमारा cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा आया a डॉट b, लिखो 26 डिवाइडेड बाई व्हाट इज a, व्हाट इज b? 5 and 29. सो दिस इज 5 √29. इसको यहीं छोड़ सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब थीटा को लिखो cos इनवर्स ऑफ 26/2√29. दैट्स इट. तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स ए एंड
बी. दिस इज हाउ वी फाइंड और वी अप्लाई दिस पार्ट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू गिवन वेक्टर्स. राइट, देखते हैं. सो नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज टू चेक परपेंडिकुलरिटी ऑफ गिवन वेक्टर्स. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई. दो वेक्टर्स, तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जब एंगल निकालने की बात हुई थी, जब हमने रिजल्ट्स भी देखे थे आई डॉट जे डे डॉट के. तो यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. राइट, देन ए डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो. होना भी चाहिए, कॉज 90 जीरो होता है. ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन हम किन चीजों में, किस टाइप के क्वेश्चंस में कर सकते हैं. तो देखो मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं तुम्हें करके. ठीक है, ये दिया हुआ है 3i कैप + 4j कैप, ये गिवन है मुझे. दूसरा वेक्टर दिया हुआ है मुझे बी, जो कि एक्स आई कैप या एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता है, +7j कैप है. ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये गिवन है. अब तुम्हें मालूम है ये कंडीशन है ना, क्या करोगे, तुम्हें मालूम है कि भाई अगर ए डॉट बी हम करेंगे, अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो जीरो आना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट तुमको लेना आता है, बहुत सिंपल सी बात है. तो 3i डॉट xi क्या मिलेगा बेटा, 3x. जे के साथ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा इसका आई का, ऐसे ही जे और आई का डॉट प्रोडक्ट ये भी जीरो हो जाएगा. 4j डॉट 7j ये आएगा बच्चों, 4j का मैग्नीट्यूड हुआ 4, 7j का मैग्नीट्यूड हुआ 7, कॉज ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, कॉज ऑफ जीरो 1 हुआ, इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो ये आ गया बच्चों 3x + 28 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू -28/3. तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हुआ. तो ये टेक्निकली एक एंगल वाली कहानी थी. ठीक है, एप्लीकेशन छोटा सा था, पर ये ध्यान रखोगे तो तुम्हें अप्लाई करने में इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो इन दिस सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स एंड वी हैव सीन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस. राइट, हम और आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों में. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. टिल देन गुड बाय, सी यू.